दोस्तों सब्सक्राइब करें ये एक्स मनाना यूट्यूब चैनल को और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए अपने मोबाइल पर इस बेल आइकन पर क्लिक करें। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपसे सैमसंग J6 के बारे में, J6 2018 वाला जो नया मॉडल आया है इस मोबाइल के बारे में कि इस मोबाइल का FRP किस तरह से अनलॉक कर सकते हैं मेडिकल बॉक्स से। दोस्तों सामने डेस्कटॉप पे आप देख रहे हैं कॉम्बिनेशन फाइल, ये फाइल की लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दें और दोस्तों मैं बता दूं कि इस फाइल को, ये कंप्रेसर फाइल है, इसे आपको एक्सट्रैक्ट करना होगा। चलिए इस फाइल को हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, साथ ही साथ हम इस मेडिकल टूल को भी ओपन कर लेते हैं। चलिए हम आपको दिखा रहे हैं आपको कि किस तरह से इस मोबाइल का आज FRP आप जो है रिमूव करेंगे मेडिकल बॉक्स से। तो दोस्तों मेडिकल टूल हम यहाँ पे ओपन कर रहे हैं और उसके बाद ये कॉम्बिनेशन फाइल को मैंने एक्स्ट्रा कर लिया है और उसके बाद इस कॉम्बिनेशन फाइल से आपको फ्लैश करना है मोबाइल को। और किस तरह से फ्लैश करना है चलिए मैं आपको बता दूँ इस तरीके के बारे में, किस तरह से आपको फ्लैश करना है मोबाइल को। तो दोस्तों आपको मोबाइल को फ्लैश करने के लिए आपको सैमसंग टूल सेलेक्ट कर लेना है और सैमसंग टूल जब आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे उसके बाद आपको इस कॉम्बिनेशन फाइल से फ्लैश करना होगा मोबाइल को। और मोबाइल को आपको डाउनलोडिंग मोड पर लगा देना है कंप्यूटर में, और डाउनलोडिंग मोड पर लगाने के बाद आपको यहाँ पे फ्लैश पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे बूट पे क्लिक करके आपको कॉम्बिनेशन फाइल सेलेक्ट करना होगा। दोस्तों मैंने अपना जो कॉम्बिनेशन फाइल डेस्कटॉप पे रखा है तो चलिए डेस्कटॉप से हम यहाँ पे कॉम्बिनेशन फाइल को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये कॉम्बिनेशन फाइल है J6 का और इस फाइल को हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लिए। उसके बाद यहाँ पे डिस्प्ले लिस्ट पे क्लिक करके और इस सारे फाइल से भी अगर आप फ्लैश करना चाहें तो फ्लैश कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों मैं बता दूँ अगर आप सारे फाइल से फ्लैश करते हैं तो मोबाइल का जो है सिस्टम चेंज हो जाएगा और फिर आपको फ्लैश करना होगा। FRP तो अनलॉक हो जाएगा लेकिन आपको फ्लैश करना होगा मोबाइल को। तो दोस्तों अगर आप सारे फाइल से फ्लैश करते हैं मोबाइल को तो उसके बाद मोबाइल के जो है डेवलपर ऑप्शन को आपको इनेबल करना होगा। बिल्ड नंबर पर 7 बार टाइप करके आपको जो है डेवलपर ऑप्शन को इनेबल करना है और उसके बाद जो है आप FRP अनलॉक करेंगे और फिर आपको मोबाइल को जो है फ्लैश करना पड़ जाएगा। लेकिन अगर आप इन सभी फाइल को अनचेक करके सिर्फ ओनली जो है आप बूट इमेज फाइल से अगर फ्लैश करते हैं मोबाइल को तो इससे अगर आपका ADB इनेबल हो जाता है तो आपको फ्लैश करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों आप इस बूट इमेज फाइल से फ्लैश करेंगे मोबाइल को और फ्लैश करने के बाद अगर मोबाइल अगर लोगो पर अटक जाता है तो आपको हार्ड रिसेट करना होगा और फिर जब कंप्लीट मोबाइल आपका ऑन हो जाएगा तो फिर आप FRP रिसेट कर सकते हैं। तो दोस्तों इस फाइल से मैंने मोबाइल को फ्लैश कर दिया है, चलिए मैं आपको दिखाते हैं कि किस तरह से आप जो है इस मोबाइल का FRP अनलॉक कर सकते हैं। तो दोस्तों FRP अनलॉक करने के लिए आपको यहाँ पे रिसेट FRP ADB पे आपको चेक लगाना है और यहाँ रिसेट FRP ADB पे चेक लगाने के बाद आपको जो है ADB पोर्ट सेलेक्ट कर लेना होगा। और जब आप ADB पोर्ट सेलेक्ट कर लेंगे उसके बाद आपको स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है और कुछ ही देर में जो है कुछ सेकंड में आपका जो है FRP यहाँ से जो है रिमूव हो जाएगा। दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं सक्सेसफुली इस मोबाइल का जो है एंड्रॉइड वर्जन 8.0 है और इसका FRP रिसेट हो चुका है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा और आप किसी काम है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और शेयर करें फेसबुक व्हाट्सएप पर अपने दोस्तों के साथ। और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।